नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स और मैं हूं संगीता सिंह। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक दल जीत की जोर आजमाइश के लिए जुट गए हैं। चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, बावजूद इसके बीजेपी ने अभी तक अपने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में यही माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बिना सीएम फेस के उतरने वाली है, यानी कि सीधे तौर पर ये संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी जो है वो इस बार के चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर दांव खेलेगी। इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि दिल्ली के चुनावों में बीजेपी को सीएम चेहरे के साथ उतरने का दांव कभी नहीं भाया। चाहे सुषमा स्वराज हो, डॉक्टर हर्षवर्धन हो या फिर किरण बेदी जैसे चेहरों को भी दिल्ली के चुनावों में मात मिली है। दिल्ली में 1993 से लेकर 2015 तक 6 विधानसभा चुनाव हुए हैं। बीजेपी इनमें से 5 बार मुख्यमंत्री चेहरे के साथ मैदान में उतरी थी और उसे हर बार हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली में महज एक बार बीजेपी ने सीएम फेस की घोषणा नहीं की थी, तब दिल्ली में सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब रही थी। यही वजह है कि बीजेपी ने दिल्ली के चुनावों में मुख्यमंत्री के चेहरे की बजाय केंद्रीय नेतृत्व के सहारे चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का संकेत दिए हैं। पहले विधानसभा चुनाव में बिना सीएम फेस चुनाव लड़ी थी बीजेपी। साल 1993 में दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। इन चुनावों में बीजेपी ने मदनलाल खुराना की अगुवाई में चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें सीएम फेस घोषित नहीं किया। हालांकि उस वक्त दिल्ली में बीजेपी की सियासत में मदनलाल खुराना, विजय कुमार मल्होत्रा, केदारनाथ साहनी की तिकड़ी की तूती बोलती थी। बीजेपी दिल्ली की सियासी जंग फतेह करने में कामयाब रही तो मदनलाल खुराना मुख्यमंत्री बन दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। सुषमा की दमदार छवि भी 1998 में नहीं दिला सकी बीजेपी को जीत। 1993 के बाद से बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकी। 1998 के चुनाव में सुषमा स्वराज की दमदार छवि भी बीजेपी के काम नहीं आई। 1998 के विधानसभा चुनाव से एन पहले बीजेपी ने सुषमा स्वराज को दिल्ली का सीएम फेस बनाया। बीजेपी सुषमा स्वराज के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ी और पार्टी को बुरी हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी को महज 15 सीटें जीतने में कामयाबी मिली। 2003 में शीला दीक्षित से हारे बीजेपी सीएम फेस खुराना। 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से मदनलाल खुराना को सीएम फेस बनाया, लेकिन शीला दीक्षित के आगे उनकी दमदार छवि भी काम नहीं आई। कांग्रेस ने शीला दीक्षित को सीएम फेस बनाकर मैदान में उतारा था, इस बार मदनलाल खुराना का जादू फीका रहा। 2003 के चुनाव में बीजेपी को महज 20 सीटें ही मिल सकी थी। विजय कुमार मल्होत्रा का भी नहीं चला जादू। इसके बाद आए साल 2008 के चुनाव, जिसमें बीजेपी ने वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा को सीएम फेस बनाया, लेकिन उनका जादू नहीं चला और बीजेपी फिर हार गई। बीजेपी का ये दांव भी पूरी तरह से फेल रहा और विजय कुमार मल्होत्रा के नेतृत्व में पार्टी को महज 23 सीटें ही मिल सकी। डॉक्टर हर्षवर्धन भी नहीं दिला पाए दिल्ली की सत्ता। 2013 के चुनाव में बीजेपी ने डॉक्टर हर्षवर्धन को सीएम का चेहरा बनाया। उनके नेतृत्व में पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, लेकिन सरकार बनाने में यहां पर वो नाकामयाब रही। इस बार हर्षवर्धन बीजेपी को दिल्ली में 31 सीटें जिताकर सबसे बड़ी पार्टी बनाने में कामयाब रहे थे, लेकिन बहुमत से 5 सीटें दूर बीजेपी सरकार नहीं बना सकी। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी, हालांकि ये सरकार महज 52 दिन ही चल सकी। किरण बेदी के नेतृत्व में बीजेपी की सबसे बुरी हार। फिर आए साल 2015 के चुनाव, इस बार बीजेपी ने पूर्व आईपीएस किरण बेदी को सीएम का फेस बनाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी का ये दांव भी नहीं चल सका और बीजेपी को बहुत बुरी मात मिली। किरण बेदी खुद भी हारी और पार्टी को महज 3 सीटें ही मिल सकी। बीजेपी की लगातार हार से सबक लेते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली में किसी भी चेहरे पर दांव खेलने से इस बार परहेज किया है। अब देखना है कि इस बार बिना चेहरे के बीजेपी क्या करिश्मा दिखाती है। बीजेपी बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ने जा रही है, ये तभी साफ हो गया था जब पिछले दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने की घोषणा करने के बाद केंद्रीय मंत्री और दिल्ली के सह प्रभारी हरदीप पुरी पलट गए थे और इसे वापस ले लिया था। बीजेपी के इस फैसले के पीछे की वजह कहीं न कहीं चुनावों के इतिहास को ही माना जा रहा है। बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनावों की तरह यकीन है कि अगर दिल्ली की जंग मोदी बनाम केजरीवाल होगी तो लाजमी है कि बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिलेगा।
लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपने 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेकर पहुंच रही है और जनता को अपने काम गिनवा रही है, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंताएं जरूर बढ़ा दी हैं।